अमित शाह जी कुछ करिए। जिस डैशिंग अधिकारी ने लॉरेंस बिश्नोई को दौड़ा दौड़ा कर पकड़ा, पंजाब के राज्यपाल की आंखों में वो क्यों खटकने लगा? नौ प्रशंसा पत्र, एक गोल्ड डिस्क जीतने वाला अधिकारी जिसे पंजाब की पुलिस डिपार्टमेंट का शेर कहा जाता था। राजभवन ने ना तो बताया ना सरकार से सलाह ली, बस कुछ घंटे में ट्रांसफर ऑर्डर भिजवा दिया। ऐसी कौन सी जल्दी थी कि पंजाब के राज्यपाल ने हरियाणा काडर के अधिकारी को चंडीगढ़ में बिठाया? अभी 10 महीने बचे थे, लेकिन एक ईमानदार अधिकारी को उससे पहले ही क्यों साइड लगाया? जिसने पंजाब के सबसे बड़े गैंगस्टर को ठिकाने लगाया, उसे किन अधिकारियों ने किनारे लगाया? लॉरेंस बिश्नोई कौन है, कितना शातिर है, वो क्या क्या करता है, पूरी दुनिया ये जानती है। एक ईमानदार अधिकारी जिसने फिल्मी स्टाइल में लॉरेंस बिश्नोई को दौड़ा दौड़ा कर पकड़ा, जिसने घसीट कर लॉरेंस बिश्नोई को सलाखों में डाला, वो अधिकारी क्यों हटाया गया? जबकि अभी उसके कार्यकाल के 10 महीने बचे थे, लेकिन उससे पहले ही राजभवन ने उसे किनारे लगा दिया। आखिरकार एक ईमानदार, डैशिंग और तेज तरार अधिकारी क्यों पंजाब के राज्यपाल और चंडीगढ़ के प्रशासक बनवारी लाल पुरोहित को पसंद नहीं आया? वो कौन है जो लॉरेंस को उसके सही ठिकाने पर पहुंचाने वाले से बदला लेना चाहता है? सबसे पहले आपको ईमानदार अधिकारी के बारे में बताते हैं, जिसने पंजाब के सबसे मोस्ट वांटेड गैंगस्टर को दौड़ा कर पकड़ लिया था। नाम है कुलदीप चहल। इंडियन एक्सप्रेस की एक रिपोर्ट आई जिसमें बताया गया कि कुलदीप पंजाब काडर के 2009 बैच के आईपीएस अधिकारी हैं। अचानक 13 दिसंबर को उनके पास एक ट्रांसफर लेटर पहुंचा। ऐसा क्यों हुआ, पूरा महकमा इस पर चुप्पी साध गया। कुलदीप चहल को लेकर राज्यपाल के फैसले पर खुद सरकार ने कई सवाल उठाए। अब पंजाब की आम आदमी पार्टी की सरकार और पंजाब के राज्यपाल बनवारी लाल पुरोहित आमने सामने आ गए। दरअसल कुलदीप चहल को एसएसपी चंडीगढ़ के पद से हटा दिया गया और हरियाणा कैडर की आईपीएस अधिकारी और ट्रैफिक एसएसपी मनीषा चौधरी को चंडीगढ़ बुला लिया गया। मतलब ऐसी कौन सी मजबूरी या जल्दी आ गई कि कार्यकाल खत्म होने के 10 महीने पहले ही पंजाब काडर के एक अधिकारी को हटाकर हरियाणा काडर के अधिकारी को चंडीगढ़ बिठाना पड़ा? सवाल सिर्फ कुलदीप के ट्रांसफर को लेकर नहीं है, सवाल इसलिए भी उठ रहे हैं क्योंकि हमेशा चंडीगढ़ में लॉ एंड ऑर्डर एसएसपी पंजाब काडर का अधिकारी ही बनता रहा है। इंडियन एक्सप्रेस की खबर में ऐसा ही दावा किया गया है। पहले तरीका समझिए, किसी भी अधिकारी को हटाया जाता है उससे पहले राज्यपाल या फिर चंडीगढ़ के प्रशासक सरकार से सलाह मशवरा करते हैं, लेकिन यहां कुलदीप के मामले में सरकार से कोई सलाह नहीं ली गई, बल्कि मीडिया रिपोर्ट्स बताती है कि करीब 4 से 5 घंटे पहले एसएसपी कुलदीप चहल के हाथ में रिलीव लेटर पहुंच गया और कहा गया जितनी जल्दी हो आप दूसरी जगह पहुंच जाइए। हद तो तब हो गई कि रिलीव ऑर्डर अधिकारी के हाथ में पहुंचने से पहले सोशल मीडिया पर छाप दी गई। खबर है कि इस लेटर के टाइप होने के बाद कुछ अधिकारी राजभवन राज्यपाल बनवारी लाल पुरोहित से मिलने गए। मोटे तौर पर कहें तो राज्यपाल और भगवंत मान के टकराव में एक ईमानदार अधिकारी बलि चढ़ा दिया गया। कुलदीप चहल हरियाणा के जिंद जिले के उझाना गांव में साल 1981 में जन्मे थे। कुरुक्षेत्र यूनिवर्सिटी से उन्होंने ग्रेजुएशन की पढ़ाई की। इसके बाद वो अपने भाई सुरेश कुमार के साथ पंचकुला में रहने लगे। पंजाब यूनिवर्सिटी से एमए करने के साथ साथ कंपटीशन की तैयारी शुरू कर दी। सबसे पहले साल 2005 में असिस्टेंट सब इंस्पेक्टर के तौर पर चुने गए। सर्विस के दौरान ही यूपीएससी की परीक्षा दी और ऑल इंडिया में 82वां रैंक लेकर आए, पंजाब काडर मिला। आईपीएस कुलदीप चहल को पंजाब में गैंगस्टर और अपराधियों के लिए खौफ का दूसरा नाम माना जाता है। इसके लिए उन्हें साल 2018 में पुलिस मेडल और डायरेक्टर जनरल कमीशन डिस्क से भी सम्मानित किया गया है। साल 2012 में वो सबसे पहले लाइमलाइट में आए थे। इसी साल उन्होंने गैंगस्टर शेरा खुबान के एनकाउंटर में अहम रोल निभाया था। खुबान उस समय पंजाब के टॉप गैंगस्टर में से एक था। उसे गैंगस्टर जयपाल भुल्लर का संरक्षक माना जाता था। ऐसी आईपीएस के ट्रांसफर को लेकर होने वाली पॉलिटिक्स पर आप क्या कहेंगे, हमें कमेंट करके जरूर बताइएगा।